नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशलि मोइत्रा। लोगों की मदद करने में सलमान खान हमेशा आगे रहते हैं। उनके नेक कामों के बारे में कई खबरें आती रहती। वही अब सलमान से जुड़ी एक ऐसी ही खबर आई। सलमान खान न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित एक्टर फराज खान की मदद करने के लिए आगे आए। खबरें हैं कि सलमान ने फराज के सारे मेडिकल बिल भर दिए। फराज खान आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये जानकारी कृष्णा अभिषेक की वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। कश्मीरा ने सलमान की एक हंसती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप सच में एक महान इंसान। फराज खान और उनके मेडिकल बिल्स का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। फरेब के एक्टर फराज खान क्रिटिकल हालत में, सलमान उनके साथ खड़े हुए और उनकी उसी तरह मदद की जैसे वे बाकियों की करते हैं। मैं उनकी सच्ची प्रशंसक हूँ और हमेशा रहूंगी। उन्होंने आगे लिखा, अगर लोग इस पोस्ट को पसंद नहीं करते हैं तो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। आपके पास मुझे अनफॉलो करने का विकल्प है, ये मैं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोगों से मिली हूँ उनमें से सलमान खान सबसे शानदार इंसान है। बात करें फराज खान की तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में 7 से 10 दिनों तक रहने की जरूरत है और इसके लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। और अब सलमान ने उनके सारे बिल्स पे कर फिर से अपनी दरिया दिली दिखाई। बताते चले कि बीते बुधवार इस बारे में एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्वीट कर लोगों से एक्टर की मदद करने की अपील की थी। फराज खान फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी के साथ नजर आ चुके हैं और वे फरेब फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जिसका गाना ये तेरी आंखें झुकी झुकी आज भी लोगों की जुबा पर। वहीं फराज खान की मदद कर सलमान खान ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है।